स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल डिवाइन बेबी सॉल में। इस चैनल पे हम गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या फ्रूट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो हम जान लेते हैं कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रूट खाना सेफ है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट खाने ही चाहिए, क्योंकि फ्रूट में होते हैं मिनरल्स, विटामिन्स और कुछ फाइटोकेमिकल्स, जो कि वह हर फ्रूट में अलग अलग होते हैं। और यह मिनरल्स और विटामिन्स और फाइटोकेमिकल्स जरूरी होता है आपकी स्किन हेयर ग्रोथ के लिए, और आपके बच्चे की स्किन हेयर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ये फ्रूट बहुत ही जरूरी होता है। आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए और जितनी भी सिस्टम है हमारे अंदर, उस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं जो आपके मूड को एलिमेंट करते हैं और आपके अंदर फील गुड फैक्टर लाते हैं, और ये फ्रूट्स डिहाइड्रेशन से भी हमें बचाते हैं। इसीलिए हमें प्रेगनेंसी में फ्रूट खाने ही चाहिए। सिर्फ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे अंदर पल रहे बच्चे के विकास के लिए भी ये फ्रूट्स बहुत ही जरूरी होता है। जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमारे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है। उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरह से होने से बच्चा हेल्दी आता है। जब हम अच्छे और फ्रेश फ्रूट खाते हैं तो हमें फील गुड का एहसास होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन्स भी सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कितने फ्रूट खाने चाहिए, गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से सही मात्रा में फलों का सेवन फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर दिन भर में 3 से 4 फलों का सेवन करने की सलाह देते हैं। वही एक रिसर्च के अनुसार फलों की प्रतिदिन 3 सर्विंग लेने की सलाह दी गई है। उदाहरण के तौर पर एक सर्व में एक मध्यम आकार का फल हम ले सकते हैं। ध्यान रखें, अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को मधुमेह या कोई अन्य समस्या है तो अपनी डॉक्टर के सलाह के अनुसार फलों का सेवन करें। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा फ्रूट खाना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें रीजनल फ्रूट और सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। रीजनल फ्रूट यानी कि ऐसा फ्रूट जो आपके एरिया में बहुत ही आसानी से मिलते हैं, और सीजनल फ्रूट यानी कि ऐसा फ्रूट जो मौसम में मिलता है, जो हर मौसम में अलग अलग मिलता है। और तीसरा है फ्रेश फ्रूट, यानी कि जो फ्रूट फ्रेश है वही फ्रूट हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाना चाहिए। जो फ्रूट बासी है या कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए है, ऐसे फ्रूट हमें नहीं खाने चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फ्रूट से हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन उनमें से हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसीलिए जो कोई भी फ्रूट खाते हैं वो न्यूट्रिशन वैल्यू के अनुसार ही आप खाए। आशा रखते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।